एक्टिंग के लिए आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं और ऑडिशन में पास होना भी जरूरी होता है, लेकिन मुश्किल ये थी कि सभी लोग मुंबई नहीं आ सकते थे और सभी लोगों को ऑडिशन के बारे में पता नहीं चलता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ऑडिशन के तौर तरीकों में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है। क्या आ रहा है यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। ऑडिशन में तेजी से बदलाव आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद, क्या आ रहे हैं बताने वाला हूं आज के पूरे डिटेल वीडियो में, इसको आखिर तक देखिएगा। अभी तक ऑडिशंस में क्या होता था फिल्म इंडस्ट्री में कि आप जाते थे, आपको ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन मिलती थी, आप ऑडिशन रूम में जाते थे, मतलब ऑडिशन वेन्यू पे जाते थे उस एड्रेस पर, और वहां पर अपना ऑडिशन देते थे। जाने आने में काफी सारा समय लगता था, उसके बाद आप थक भी जाते थे, कई बार नर्वस हो जाते थे और थकान की वजह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती थी। पिछले कुछ दिनों से जब से डिजिटल इंडिया हुआ तब से एक बदलाव आया कि आपसे सेल्फ ऑडिशन मंगाए जाने लगे, मतलब कि ऑनलाइन ऑडिशन आप उनको व्हाट्सएप पर और मेल पर भेज देते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये तौर तरीका पूरी तरह से इसी पर डिपेंड होना शुरू होने लगा है। मतलब ये कि अब वॉक इन ऑडिशन धीरे धीरे एकदम कम हो गए, ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से बंद भी हो जाएंगे कम से कम पहले राउंड के लिए। अब ज्यादातर लोग आपसे सेल्फ ऑडिशन मंगाएंगे ऑनलाइन, मतलब मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पर। अभी अभी मुकेश छाबरा ने एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन की थी कि उनको इंट्रो चाहिए सारे एक्टर्स के, वो इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे ये बदलाव की घंटी सुनाई देती है कि अब इस तरह के चेंज आएंगे और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा जो मुंबई से बाहर रहते हैं उन लोगों को, उन कलाकारों को, उन एक्टर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आप अपने घर से ही ऑडिशन की क्लिप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं सीधे उस मेल आईडी पे, सीधे उस व्हाट्सएप एड्रेस पे। उसके लिए मुंबई आपको आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी परफॉर्मेंस इंट्रोडक्शन में भी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस मोनोलॉग में भी अच्छे होने चाहिए। उसके लिए आजकल आप ऑनलाइन कोर्स से तैयारी कर सकते हैं। ऑडिशन के बारे में डिटेल में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जॉइन फिल्म्स पर, जैसे कि फेक ऑडिशन से कैसे बचें इस पर 3-4 वीडियो अवेलेबल हैं। मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं थंबनेल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूं, उनको जरूर देखिएगा। कभी भी किसी को आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, प्रमोशन के नाम पर किसी को भी पैसे मत दीजिएगा। इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपके पैसे भी खर्च होंगे, समय भी खराब होगा और मूड भी खराब होगा। दूसरी बात यह कि ऑडिशन स्टेप बाय स्टेप कैसे दिए जाए इस पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, सेल्फ इंट्रो कैसे दें उस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। फिर भी आपको लगता है कि कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए जॉइंट फिल्म्स की सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल है। नंबर है बॉलीवुड हेल्पलाइन नंबर 8433666618। ऑडिशन को अब आप अपने घर से देना शुरू कर सकते हैं। यह बदलाव आपके लिए बहुत मूल्यवान है, यह बदलाव से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए, मुंबई आने जाने का खर्चा तो आपका बचेगा ही, साथ में वो जो डर फैमिली को होता था या आपको होता था कि एकदम से मुंबई जाके क्या करेंगे, वो डर अब निकल सकता है इस बदलाव के साथ साथ। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको सेल्फ ऑडिशन देना कैसे। सेल्फ ऑडिशन के बारे में मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर आप देखिएगा ताकि आपको पता चले कि जब आप खुद से ऑडिशन बनाएंगे तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है जो मुंबई में होती है 3 दिन की। उसमें मैं इन डेप्थ नॉलेज देता हूं कि ऑडिशन के टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, डायलॉग को जल्दी कैसे याद रखना है, एक नेटवर्किंग कैसे करनी है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, इसको भी मैं डिटेल में सिखाता हूं। तो आप ऑडिशन देना शुरू करिए और उसकी तैयारी करना शुरू कीजिए ताकि इस बदलाव का पूरी तरह से आप इस्तेमाल कर पाए। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप पहली बार जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे ज्यादा जरूरी वीडियो आपसे कभी भी छूटे नहीं। अगर ये वीडियो आपके पास किसी और के माध्यम से पहुंचा है, आपने पहली बार देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि जिस तरह से आपको हेल्प मिली बाकी लोगों को भी इसकी हेल्प हो सके। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।